अगर हम SBI में जमा करते हैं, सार्वजनिक बैंकों में जमा करते हैं, तो उसकी गारंटी है वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन देखिए कि आज बैंकों के साथ क्या किया गया है। पहले कहते हैं जनधन खाता खुलवा लीजिए, जब खाता खुलवा लीजिएगा तो कहेंगे कि बैंकिंग सिस्टम से कोई भी इंसान बाहर नहीं रहना चाहिए, सबको बैंकिंग सिस्टम में आ जाना चाहिए। और बैंक की व्यवस्था ऐसी बना दी कि 5 बार से ज्यादा अगर ATM यूज कीजिएगा तो फाइन लगेगा, नया पासबुक लीजिएगा तो पैसा लगेगा, नया चेकबुक लीजिएगा तो पैसा लगेगा। हमको तो लगता है कि किसी दिन बैंक के आगे से गुजर गए, CCTV कैमरा में मुंह आ गया तो उसका मुंह दिखाई का भी 50 रुपया वसूल लिया जाएगा। आम लोगों से आप पैसे की वसूली करते हैं और वो जो पैसा है अपने दोस्तों के ऊपर दोनों हाथ से लुटाते हैं, फिर कहते हैं कि NPA हो गया है। अरे साहब, बैंक तो बाद में NPA हुआ है, पूरी की पूरी सरकार NPA होकर के बैठी हुई है। आप कहते हैं कि NPA हो गया है इसीलिए बैंक बेच दीजिए, तो मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री सबसे बड़ा NPA का स्टेट है और इसको बेचने की जरूरत नहीं है, ये अंबानी और अदानी के हाथ में बिका हुआ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश के भीतर जो आपने नारा दिया है बैंक बचाओ देश बचाओ, उसका सीधा मतलब ये है कि आप रिपब्लिक बचाना चाहते हैं। मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालिएगा, ऐसा नहीं है कि हम SBI के पक्ष में बोल रहे हैं तो हम ICICI के खिलाफ हैं। लेकिन मेरा अपना अनुभव यह है कि अगर एम्स नहीं होगा तो फोर्टिस में बेड नहीं मिलेगा, अगर सरकारी स्कूल नहीं होंगे तो निजी स्कूल उससे कंपटीशन नहीं करेगा, अगर सरकारी बैंक नहीं होगा तो मेरी इस बात को नोट करके रखिए, अभी जब जाते हैं ICICI में तो गार्ड सलाम ठोकता है ना, अगली बार अगर धक्का नहीं मारा तो फिर मुझे कह दीजिएगा।